मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और उस वो अभी पसंद मतलब एक मोटिवेशन हो गया कि मुझे कुछ तो अलग मिल रहा है। हर एक बिजनेसमैन का यही एटीट्यूड रहता है कि वही बोरिंग लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी मिलती नहीं है और सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, तो कुछ अलग मिल गया तो मोटिवेशन मिल जाता है। यही मोटिवेशन लेके मुझे बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिली, मेरी मैच्योरिटी 3 times बढ़ी जो बिफोर मेडिटेशन इतनी नहीं थी, कामनेस आ गई, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह बढ़ी और मैं लोगों को जज नहीं करता, पहले जज करता था मगर अभी नहीं करता हूँ। नॉर्मली हम देखा जाता है तो जो भी बिजनेस पर्सन है तो उसको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप ध्यान कर रहा है, ध्यान प्रचार कर रहा है, तो क्यों आपको ये इंटरेस्ट हुआ है इन चीज़ों में? राइट, सो मेरी बुआ है जो मेरे पीछे 3 साल से मुझे बोल रही कि तू मेडिटेशन में आ। PSSM का बहुत अच्छा और यूनिक तरीका है मेडिटेशन का और उससे तुझे बहुत रिलीफ मिलेगा और तेरे डिसीजन क्विक एंड फर्म हो जाएंगे और तेरा देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा एंड वेरी कन्फर्म्ड है कि तू फोकस हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो एक बार ट्राई तो करते हैं। तो मैंने 2.5 साल पहले PSSM का फर्स्ट जो JTTP था तो उसमें मैंने ज्वाइन किया और मुझे दूसरे दिन ही इतने अच्छे अनुभव आने लगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आयदर गलत हो रहा है नहीं तो कुछ तो अलग हो रहा है, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दीप्ति मैडम जो नडेला मैम थी तो उनसे मैंने बात की, वो बोले कि ऐसा ही होता है, ये सारे मेडिटेशन में जो भी ध्यान आते हैं जो एक्सपीरियंस आते हैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, इससे कोई गलत और कोई बराबर नहीं रहता, ये सारे एक्सपीरियंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड और लॉजिकल माइंड बिल्कुल नहीं लगाना, ये सिर्फ आपको अच्छी तरह से फोकस करेगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं। तो पहले दिन ही मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और वो अभी पसंद मतलब एक मोटिवेशन हो गया कि मुझे कुछ तो अलग मिल रहा है। हर एक बिजनेसमैन का यही एटीट्यूड रहता है कि वही बोरिंग लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी मिलती नहीं है और सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, तो कुछ अलग मिल गया तो मोटिवेशन मिल जाता है। यही मोटिवेशन लेके मुझे बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिली, मेरी मैच्योरिटी 3 times बढ़ी जो बिफोर मेडिटेशन इतनी नहीं थी, कामनेस आ गई, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह बढ़ी और मैं लोगों को जज नहीं करता, पहले जज करता था मगर अभी नहीं करता हूँ, मैं उधर ही उस चीज़ को छोड़ देता हूँ क्योंकि आफ्टरऑल मेरी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है, उनका नज़रिया अलग है, तो बेसिकली नज़रिया भी चेंज हो गया, कामनेस आ गया, मोटिवेशन आ गया, सेल्फ डेवलपमेंट आ गया और सबसे बढ़िया है एनर्जी आ गई। सो ये बहुत सारे फ़ायदा मेडिटेशन से मिले। ब्यूटीफुल, आपको देख के मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारा जो लोग जब ये आध्यात्मिक लाइन पे आ जाता है उनको ये सब जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ उस पर मीनिंग नहीं दिखता, सो सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग दिखता है, फिर भी आप बिजनेस भी संभाल रहे हैं, बिजनेस के बाद बिजनेस भी कर रहे हैं, ये कैसा मैनेज कर रहे हैं आप? ये आपको ये मटेरियलिज्म भी मैनेज कर रहे हैं, आप मेडिटेशन भी मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सर वही एक मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो अगर खुद को टाइम निकालना हो तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि बिजनेस तो खैर दैट इज़ माय रोजी रोटी, वो तो है मुझे करनी पड़ेगी, देर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर दैट, मगर मेडिटेशन एक ऐसा डिज़ायर ये या पैशन है या मोटिवेशन है जिसको करने के बाद हमको मतलब एक अलग दुनिया मिलती है। समर जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है जब ये आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है उनको वैराग्य आ जाता है, उनको इन सब चीज़ों में मीनिंग नहीं दिखता है, वो हमेशा आत्मा परमात्मा उसी चीज़ों में रहता है, बट फिर भी आप मेडिटेशन कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन भी जी रहा है और साइमल्टेनियसली बिजनेस के ऊपर बिजनेस के ऊपर बिजनेस भी कर रहा है, ये कैसे संभाल पा रहे हैं आप? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन का नज़रिया अलग होता है और एक
सर्टन पीरियड के बाद सैचुरेशन जाता था, तो सैचुरेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, वो ढूंढने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे हैप्पीनेस मिले, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे अलग खुशी दे। हाँ, तो उसके हिसाब से वो उस नज़रिए से उसका पाथ ढूंढने लगता है। तो ये नज़रिया मुझे बहुत पहले मिल गया, 2.5 साल पहले, तो उसके वजह से मैं बहुत खुश रहता हूँ और बिज़नेस के ऊपर बिज़नेस मुझे टाइम मिलता है करने के लिए। मैं मेडिटेशन के वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ कि ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में ये करना है, बस कॉमा। फिर बाद में मेरा जो इंस्टीट्यूट है, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर भी मैं ध्यान देता हूँ और उसके वजह से मुझे बहुत फुर्ती मिलती है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ध्यान सिखाता हूँ, आनापाना सब सिखाता हूँ कि आपको फोकस कैसे आएगा, आपका मन शांत कैसे रहेगा। मन शांत होने की वजह से ही आपको डायरेक्शन मिलेगी, और म्यूज़िक में हो या स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, आपको ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सबको मेडिटेशन दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए।